सामाजिक कार्यकर्ता और पार्षद पति विनय चौहान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विनय जी, बुद्ध जयंती पार्क को लेकर एक राजनीति चल रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि छठ जो है वो एक आस्था का पर्व है? इससे बड़ा दुर्भाग्य द्वारका विधानसभा का तो नहीं हो सकता है कि एक स्वयं व्यक्ति जो पूर्वांचल का होके और एक महान, मैं तो उनके दादाजी को दुनिया याद करती है, पूरा देश याद करता है, इतना सम्मान देता है शास्त्री जी को, उनका पोता आज इस स्तर तक गिरेगा हम सोच भी नहीं सकते थे। राजनीति अपनी जगह, सबको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ये जो धार्मिक पर्व है, ये आस्था से जुड़े हुए पर्व है, इस पे अगर जो इस स्तर तक गिर के कोई राजनीति करता है, तो मैं तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोगों ने क्या अपेक्षाएं की होंगी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पोता इस क्षेत्र में आएगा, इस क्षेत्र का विकास करेगा, इस क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज वो व्यक्ति 4 साल होने वाले हैं, नज़र तो आता ही नहीं है, और नज़र भी कहीं आता तो शायद शाम के समय, सुना है मैंने शाम को कोई व्यवस्था होती है यहाँ, तो वो शायद वहाँ कहीं घूमने आते हैं, वो सुबह तो वो नहीं मिलते हैं, दफ्तर में नहीं मिलते हैं, और उनको चिंता भी नहीं है क्योंकि वो शायद नोएडा रहते हैं, हमने सुना है, हमें तो नहीं पता। पहले जब वो चुनाव लड़े तो कालका जी का कोई एड्रेस था, अब शायद नोएडा में है, तो उस व्यक्ति को इस क्षेत्र से क्या लेना, ये तो बहुत दुर्भाग्य है। और सब ठगे महसूस कर रहे हैं कि हमने किन, जो आम आदमी करते हैं कि मैं एक जनरल व्यक्ति हूँ, उन लोगों ने जनरल व्यक्तियों के साथ अत्याचार कर रखा है। और दुर्भाग्य देखिए, जो संस्था है, जो कार्य कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, उनके ऊपर केस रजिस्टर हो रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। और इतना अच्छा आयोजन यहाँ होता है, 3-4 वर्षों से यहाँ बहुत अच्छा आयोजन हो रहा था, पिछली बार भी बहुत अच्छा आयोजन हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, अपने फ़ोटो के लिए, अपनी उसकी चिंता करने के लिए इतना घटिया काम हो रहा है, ये निंदनीय है और बहुत ही निंदनीय है। राजनीति लगातार यहाँ पर हो रही है, विनय चौहान का कहना है कि बहुत ही निंदनीय है, और साथ ही विनय चौहान का ये भी कहना है कि ये छठ जो है एक धार्मिक आयोजन है, इसमें किसी तरह की राजनीति करना उचित नहीं है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं चेतना चौधरी, नेशनल लाइव दिल्ली।